स्वागत है आपके अपने चिंता विद्राम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के रिलेटेड जो भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम अपनी मेन वीडियो पे चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप जो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो कि भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है, कब हुआ था वो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं सीधे सीधे ऑप्शन बताऊंगा, ऐसे अगर हर एक पॉइंट बाय पॉइंट बताने लगा तो दोस्तों टाइम काफ़ी लग जाएगा। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को जो पारित हुआ था। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि भारत राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है, इन सभी में से कौन कर सकता है राज्यसभा को भंग। तो इनमें से आपको क्या लगता है कोई, अब पोस्ट करके इसको देखो कौन सकता है, लेकिन इनमें से कोई नहीं कर सकता, राष्ट्रपति, राज्यसभा, नहीं, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है, मतलब क्या चीज़ है जो आपको नहीं देनी है, जो हमें संयुक्त राष्ट्रीय जो हमारे मूल अधिकार हैं उनमें से क्या चीज़ है, और वो है हमें रोज़गार, हमें रोज़गार नहीं देना, बाकी हमारे अधिकार हैं कि हम शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा सब कुछ लिख देते हैं, लेकिन रोज़गार हमें खुद करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे वो एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है, एक कोर्ट या एक सुप्रीम कोर्ट से अनदर कोर्ट को ट्रांसफ़र करने का अधिकार किसके पास है, इसमें से क्या हो सकता है करेक्ट आंसर बताइए आप। द करेक्ट आंसर इज, बताइए बताइए, द करेक्ट आंसर इज बी, यानी भारत के राष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसे संसद के दो सत्रों यानी दो सेक्शन के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितना समय का अंतराल हो, कितना गैप होना चाहिए दो सेक्शन के बीच, तो वो है 6 मंथ का यानी 6 महीने का, इससे ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे शिक्षा का विषय क्या है, इसका कौन सा करेक्ट आंसर है, आप बता सकते हैं। द करेक्ट आंसर है सी, समवर्ती सूची में, जी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, मैक्सिमम संख्या कितनी है राज्यसभा में, तो वो है 245, 247, जी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको थोड़ा लाइक भी कर देना एंड देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, ऐसे हम न्यू न्यू वीडियो ऐसे ही हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हर 5 वर्ष के बाद वित्तीय आयोग का गठन कौन करता है, 5 वर्ष के बाद वित्तीय आयोग का गठन कौन करता है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर इज राष्ट्रपति, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी है हर 5 वर्ष के बाद वित्तीय आयोग का गठन करते हैं जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने अलग अलग जगह से उठाए हैं, इसको टाइप किया, काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, लिखने के लिए, टाइप करने के लिए, तो आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधायक विधान पार्षद द्वारा अधिकतम किस अवधि तक निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधायक विधान पार्षद द्वारा अधिकतम कितना अवधि तक निलंबित किया जा सकता है, तो कितने तक किया जा सकता है, करेक्ट आंसर है 3 महीने तक, इसका करेक्ट आंसर है सी। हम अपने अगले क्वेश्चन पे जैसे ही चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, मतलब कोई भी हमारी जो भारत की स्टेट है या कोई भी स्टेट है उसमें राष्ट्रपति शासन कब इम्प्लीमेंट, उस पर लागू किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, क्या राज्य का मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे तब, या राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, क्या। द करेक्ट आंसर इज राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा सके, जो हमारे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग है ना चलाया जा सके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था, पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य ने सबसे पहले अपनाई थी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन को आप रोको, आप सोचो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, आप साथ साथ में लिखते भी जाया करो ना, आपको पता चल जाएगा आप इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। और इसका सबसे सही आंसर है जो वो है राजस्थान, द करेक्ट आंसर इज डी राजस्थान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद जो है किस राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन, हमारे पार्लियामेंट जो है हमारे स्टेट के जो हमारी बाउंड्रीज है उसमें कैसे परिवर्तन कर सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज सामान्य बहुमत द्वारा, ए इसका करेक्ट आंसर। जी दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है, आप बता सकते हैं इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। इनमें से कोई भी नहीं है, मेन है जनता, जनता ही सब कुछ है, जनता जो करेगी वही होगा। हाँ बिल्कुल, जनता इसका इसमें है नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायालय न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने अवधि तक काम कर सकता है, कोई एक हमारा न्यायाधीश कितने वर्ष तक एक इंटरनेशनल कोर्ट में काम कर सकता है, तो वो है 9 वर्ष। 9 वर्ष तो वो करेगा ही करेगा जब एक इलेक्टेड हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुसंधान यानी आर्टिकल जो है भारत के संविधान का जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, जो अभी भी समाप्त हो चुका है, वो था 370। अभी ये समाप्त हो चुका है लेकिन अपकमिंग एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस आयु तक के बच्चे को किसी फैक्ट्री कारखाने या कहीं पर भी खतरनाक काम में नियुक्त करने की मनाही है, मतलब बच्चा नहीं कर सकता, उसकी कितनी एज है, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 16 वर्ष है, अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो द करेक्ट आंसर है 14, इसका करेक्ट आंसर है सी वर्ड। जी हाँ, जब तक तो 14 वर्ष का नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, इनमें से कौन सा अधिकार जो है हर एक बंदे का राजनीतिक अधिकार है कि वो कर सकता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी, चुनाव लड़ना, चुनाव हर एक बंदा लड़ सकता है। जी हाँ, जिस हमारा जन्म सिद्ध, मान लो जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का, न्यायपालिका का क्या है, कानून बनाना, कानून का निष्पादन, कानून का न्यायन या कानून को लागू करना, क्या हम इसका। द करेक्ट आंसर इज सी, कानून का न्याय निर्णय करना। थोड़ी बहुत बर्ड ने प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर सी है, पर हम भी इंसान हैं तो दिल्ली दिन बोले में कई बार हो जा रहा आगे पीछे, लेकिन मैं फिर भी इसको रिपीट कर देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है सी, न्यायपालिका का मुख्य कार्य यह है हमारा, वो है कानून का निष्पादन। तो हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, उसे जाने से पहले आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चनों को नोट डाउन करते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, उसको जो भी TDA वगैरह दिया था किसे प्रसारित यानी किसके द्वारा दिए जाता है, भारत की संचित निधि को, भारत की संचित निधि है उसके द्वारा, जिनके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं उनके भत्ते पेंशन वगैरह जो सब कुछ TDA दिए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 370 जो है किस पर लागू होता था, तो अभी नहीं होता था लिखना था लेकिन अभी हाल ही दिए गलती से, लेकिन किस पर लागू होता था, वो था जम्मू और कश्मीर, दो स्टेट सी यहाँ पे ये लागू होता था 370, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में ये 370 जो धारा टूट चुकी है अभी J&K में जी, हाँ वो अभी हट चुकी है, अभी एक लगभग 1 साल हो चुका है उसे हटे हुए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुसंधान 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है, किस भारत की भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है, तो वह कानून के सामने समानता और कानूनों की सामान्य सुरक्षा की गारंटी देता है, हमें सुरक्षा की गारंटी देता है सभी को। इसका करेक्ट आंसर है डी, कई बार बोलने में ऐसे आवाज़ कम ऊंची नीची हो रही है,
लगातार जब भी आप बोलते हो सुबह की, मैं इसको लगभग काफ़ी बार इसको लिख रहा था, पढ़ रहा था, तो उससे थोड़ी सी आवाज़ अप डाउन हो रही है, फिर भी मैंने कोशिश कर रहा हूँ, चलो जितनी बेस्ट हो सके आपके लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में संविधान का वो अनुच्छेद आर्टिकल 19 प्रदान क्या करता है हमें, प्रधान हमें करता है शी स्वतंत्रताओं को, यानी करेक्ट आंसर इज ए। उससे आगे बढ़ने से पहले आप बोल रहे कि यार ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, हाँ तो यार ऐसी अगर ऐसी वीडियो चाहिए ना आपको तो चैनल को सब्सक्राइब ही करना पड़ेगा, ऐसे नई नई वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, जो आप सोचते हैं पता नहीं कहाँ से लेकर आ रहा हूँ मैं जी क्वेश्चन। दोस्तों हर जगह से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हूँ, अलग अलग टाइप के, काफ़ी वराइटीज हैं, लेकिन है भारतीय संविधान के रिलेटेड सभी हमारे। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए जा सकते हैं, हमारा कौन सा मूल अधिकार जिसके द्वारा ये सुनिश्चित यानी फाइनल किए जा सकते हैं इसके, तो वो कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार आपकी क्या राय है, वो कौन सा हो सकता है, एनी गेस। चलो जी आपके लिए, जी आप जी क्वेश्चन आपके लिए, आपने मुझे कमेंट में बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल जी आपके लिए क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताने को मैं बता सकता हूँ इसका आंसर क्या है, लेकिन मैं देखने आता हूँ कि मेरी वीडियो को कितने बंदे देख रहे हैं, पूरी वीडियो को, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये जो सरप्राइज क्वेश्चन होता है ना, ये क्वेश्चन बोलना, अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो समझ लो आपको 10 में से 10 नंबर। ठीक है भाई, सभी सोच लेना और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना। हमारा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है, आपके हिसाब से क्या इसका आंसर हो सकता है, एनी गेस, सोच लो थोड़ा, वीडियो को रोक के रोको थोड़ा, सोचो क्या हो सकता है, मैं भी सोचूं इसका क्या क्या आंसर हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति, भारत के माननीय राष्ट्रपति जी के पास वो पावर है कि वो उनको हटा सकते हैं और उनको ला भी सकते हैं जी। तो हम अपने क्वेश्चन पे जैसे चलते हैं, लेकिन मैं फिर से आपको से बोल रहा हूँ कि आपके लिए ऐसे मैं बहुत सारी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, अब कंटिन्यू लेकर आऊँगा हर दूसरे तीसरे दिन। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिए गया है, राज्यसभा की राज्य के विकास की स्थिति के आधार पर, सभी राज्यों की समानता जनसंख्या के आधार पर, या जनसंख्या विकास के आधार पर, किस आधार पर प्रतिनिधित्व दिए गए हैं, द करेक्ट आंसर इज क्या, गेस गेस, कोई गेस नहीं, तो चलो मैं बता देता हूँ, और इसका करेक्ट आंसर है बी, जनसंख्या के आधार पर। मैं बहुत ही जल्दी कोशिश करूँ कि अब लाइव क्वेश्चन करूँगा आपको, तो लेकिन उसके लिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरी ये वीडियो डाली है अभी, इस पर कितने व्यूज़ और किसने लाइक आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ 200 लाइक्स इस पर कर दो ना, बहुत है मेरे लिए, मैं इससे काफ़ी मोटिवेट हो जाऊँगा और मैं लाइव लेकर आऊँगा आपके लिए, अगले क्वेश्चन जो आएंगे ना लाइव से आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद में आधिकारिक विपक्ष समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए, संसद में कितने होने चाहिए, आपके आइडिया से कितने हो सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या, एक तिहाई, क्या 1/6 भाग, नहीं, द करेक्ट आंसर इज डी, कुल सदस्य का 1/10 भाग होना चाहिए इसका, आपको किसी भी संसद में आधिकारिक विपक्ष समूह के रूप में बैठना है तो विपक्ष जो भी बैठेगा। हमारा हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा इसको ना मॉडिफाई किया मैंने आपके लिए, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है, धर्म के आधार पर, जाति के या रंग के आधार पर, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, रेशो जनसंख्या की कितनी है, द करेक्ट आंसर इज सी, कि उस पॉपुलेशन की कितनी है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, अगर नहीं आई है तो इसको डिसलाइक भी जरूर करके आना, मुझे कुछ तो पता चले कि इसको लाइक कितने आते हैं कि डिसलाइक कितने आते हैं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो बंद होने से पहले ना आप या लाइक या डिसलाइक
मैं ये नहीं कहता आप लाइक ही करो, अगर पसंद नहीं है तो इसको डिसलाइक भी जरूर करो दोस्तों, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि मेरी वीडियो में कमी कम है। तो ओके दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।